बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने रिसेंटली एक इवेंट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सलमान अनडाउटेडली बॉलीवुड के नंबर वन स्टार बन गए हैं। दरअसल आमिर का मानना है कि जिस तरह से रिलीज के पहले दिन से ही सलमान की फिल्म बॉडीगार्ड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उससे ये तो साबित होता ही है कि सलमान नंबर वन है। सुनने में आया है कि इंडियन एयरफोर्स ने फिल्म मौसम को रिलीज के लिए कंडीशनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, पर प्रोड्यूसर शीतल तलवार का कहना है कि पहले एयरफोर्स ने विदाउट एनी कंडीशन एनओसी देने की बात कही थी और इस कंडीशनल एनओसी से फिल्म रिलीज में प्रॉब्लम आ सकती है। खबर आ रही है कि जहां एक ओर आमिर सलमान की बढ़ाई करते नहीं थक रहे, वहीं दूसरी ओर जब मीडिया ने उनसे शाहरुख की फिल्म रावण की सॉन्ग छम्मक छल्लो के बारे में पूछा तो आमिर का कहना था कि ये क्या है, मैं ऐसे किसी सॉन्ग के बारे में जानता ही नहीं। करण जौहर अपने फेमस चैट शो पर पेरिस हिल्टन को इनवाइट करने वाले थे, लेकिन पेरिस ने इस शो पर आने के लिए इतने कंडीशंस रखे कि तंग आकर करण ने इस इंटरव्यू को ड्रॉप करने का फैसला किया है। बॉलीवुड के सीरियल किस्सा इमरान हाशमी बहुत जल्द उनकी अपकमिंग फिल्म शंघाई के लिए एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इस बात से उनके को स्टार अभय देओल काफी नाराज हैं, क्योंकि अभय ये सॉन्ग करना चाहते थे।